कि अतिथि देवो भव, हमारे जो अतिथि हैं, हमारे जो स्पीकर्स हैं जो आपको अवेयर करेंगे, एजुकेट करेंगे, उनको हम पुष्प गुच्छ बुके देकर स्वागत करेंगे। अकबर भाई, तरुण भाई का और आनंद जी का स्वागत करें, और आप सभी के लिए मैं यही कहूँगा जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। ये आप सभी के लिए आते हैं, आपका जो संडे मनाने और इनका भी संडे मनाने, एक दूसरे से संडे और एक अच्छी गुप्तगु हो और एक डेवलपमेंट का सबका विकास हो उसके लिए। इसलिए अकबर भाई और हम लोगों का यही मनसा रहता है कि ना कोई राह आसान चाहिए, ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए, ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए। एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से, आप सभी के चेहरे पर हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए, हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए। तो मुस्कान आनी चाहिए जोरदार तालियों के साथ में। और आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा, अभी आपने जैसा बताया कि काफ़ी सारे विषय आपको एजुकेट और अवेयर होने का मौका मिलेगा यहाँ पे, जैसा अकबर भाई ने बताया है, बहुत सारे दूसरे लोग स्पीकर पे आएंगे। आशीष भाई का भी गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या इनिशिएटिव लिया है रीडेवलपमेंट पे और काफ़ी सारी चीज़ों पे, वो भी बताएंगे आशीष भाई। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हुए चाहेंगे कि पीएमसी का जो पार्ट होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और गवर्नमेंट सर्टिफाई है अकबर जीवानी साहब, रोल ऑफ पीएमसी किस तरह से इंपॉर्टेंट होती है इन रीडेवलपमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में, फिजिबिलिटी एंड वेरियस स्कीम्स, महाड़ा लैंड पे बात करें हम 33.5 पे, या प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी 33.7 भी 33.7 पर हाईलाइट करेंगे अपनी पीपीटी के जरिए। प्लीज वेलकम अकबर जीवानी साहब। तो जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हर एक का हो एक सपना, एक घर हो अपना, तो आज अपना घर तो है लेकिन कितना सुरक्षित है, क्या स्टेज पे है, डॉक्यूमेंटेशन उसका क्या है, उसका ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं, कि एफिडेविट पे हुआ, जैसे कि अभी अभय योजना भी था वॉज टू रेगुलराइज ए हाउस, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ नॉट जस्ट बाइंग, सेलिंग, टेकिंग पोजेशन एंड इट बिक्स योर होम। सो वी डिस्कस ऑन दैट। Today's participants का ratio I'll just tell you, of all the registration we have received more, so there are office bearers of housing societies, then that is around 20%, then committee members also there 21%, we have professionals also who are around 15%, and 43% are the members of the housing society. So it is a good mix, variation of people who are present today. There are professionals also, maybe I met couple of architects also and PMCs also. So it is a win-win situation for everyone. Everyone needs to meet each other, keep talking to each other. So basically agenda my will be role of PMC,
feasibility of various schemes, where you fit into, what are the schemes which normally a builder may not tell you, but he may tell you and he may not tell you, but it's no important for you to understand okay, where do you stand, what are you eligible, how do you stand where, okay, and then we'll be giving you highlight on construction technology, where we stand in construction industry, like how in banks there are description of the UPI आ गया, जी पे आ गया, जो चार दिन में हम चेक पहला लेते थे, आज एक सेकंड में हमको पेमेंट मिल जाता है, एंड देन वील टेक इट फर्दर. सो बेसिकली अवर रोल ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट इज बेसिकली फर्स्ट टू असर्टेन दैट व्हाट इज द टाइटल ऑफ योर प्रॉपर्टी, वेदर द सोसाइटीज नेम इज देयर ऑन द प्रॉपर्टी कार्ड आर नो, और वेदर इट इज अ माड़ा लैंड, सो माड़ा इज द ओनर, दैट हैज टू बी असर्टेन. इफ द प्रॉपर्टी कार्ड इज नॉट देयर on the society, you have to go through conveyance and get it first. That is the first step if you ever think of going for redevelopment. So that is the role to understand ke where do you stand in the records, government records, ke aapka society ka naam hai ke nahi hai uspe, aur hona chahiye, that is the first step. So role PMC does. Then humko batata hai ke aapke plot ka situation kidhar hai, location kidhar hai, kaun se zone mein hai, रोड विथ कितना है, रोड विथ के हिसाब से भी तुमको FSI मिलता है. मेरे प्राइवेट लैंड है साउथ बॉम्बे में है कि सबर्ब्स में है, बिकॉज द सेम पॉलिसी इज डिफरेंट फॉर साउथ बॉम्बे एंड फॉर नॉर्थ. सो टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू गेट, इफ पीपल आर वेरी बेनिफिशियल इफ दे आर ऑन माड़ा लैंड, बिकॉज माड़ा का लेआउट बड़ा होता है, तो दे शेयर द माड़ा का इनलैंड रोड्स जो रहता है उसका भी FSI मिलता है. जैसे कि बैंड्रा रेक्लेमेशन में है तो यू गेट FSI अप टू 11, बेसिक FSI इज 1, बट वो टिट बिट एरिया बोलते हैं, उनका लेआउट होता है, उनका रोड का भी FSI होता है. सिमिलरली बाजू में प्राइवेट लैंड है तो उसको बेसिक इज 1.3 और वो TDR मिलके उसको 3 या 4 FSI. सिमिलरली आपका 9 से 12 मीटर का रोड है तो आपको 2 FSI मिलेगा, जो पहले वो भी नहीं था. सो यू शू अंडरस्टैंड वॉट यू आर एलिजिबल टू, देन यू बिकम स्ट्रॉन्गर वाई वॉट आर वी एबल टू गेट इट. सो दैट इज द सेम टू यू मेक अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, इन दैट यू गेट टू नो वॉट इज द प्रेजेंट स्टेटस, हाउ मच यू आर यूजिंग, वेदर यू हैव यूटिलाइज 1 FSI, यू हैव यूटिलाइज 1.5 और यू हैव यूटिलाइज 2, एंड वॉट आर यू एलिजिबल इफ यू गो फॉर रीडेवलपमेंट. तो अक्सर वो होता है कि बिल्डर इज ऑफरिंग 25%, किधर 35% है, किधर 50% है, किधर 60% है. सो अक्सर पब्लिक बोलते वो 70% देता है, तुम 35 क्यों देता है. तो देर आर वेरियस फैक्टर्स ऑन विच इट इज डिराइव दैट. थर्डली इट इज द वंस दैट प्रोसेस इज देयर, तो देर इज अ प्रोसेस वी हैव टू फॉलो विच विल कम डाउन, कि वॉट इज द सोसाइटी हैज टू फॉलो सर्टन प्रोसीजर एंड प्रोसेस विच इज कॉल अंडर 79A गाइडलाइंस, विच इज अक्सर उसको फॉलो होता नहीं है, या उसका मिसमैच होता है, या तो उसका मिसमैनेज होता है. तो एज अ PMC ही गिव्स यू दैट. देन देर इज प्लानिंग, देन देर इज टेंडरिंग वेर यू कॉल फॉर बिल्डर्स और टेंडर, देन देर इज अपॉइंटमेंट ऑफ अ लीगल person who will take care of the legalities of the whole transaction and all that, and it is a process from start to scratch, from scratch to end, right? You coming back, a PMC role is there to certify certain things, what is happening, how it is happening, what are the challenges, then only that is the main importance role of a PMC. So moving towards safer homes should be your theme, where you are today, you are moving towards more safer home, right? So feasibility report is the first thing which a PMC has to give you. Then step by step procedure as per government GR for guidelines on 79A. I'll come to this also in the following slides. Then there is a tendering and the section where the builder is appointed. So there are various checklists you have to see before appointing a builder. Basically whether what is his past performance. Kya usne kitna society liya hai, uska convince karke diya hai ke nahi. कितना सोसाइटी है उसका OC लिया है कि नहीं, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट. देर आर स्टिल 50,000 बिल्डिंग्स इन बॉम्बे हु डोंट हैव OC, बिकॉज पीपल आर डेस्परेट टू गेट पोजेशन, बिल्डर बोला ले लो, OC आया नहीं आया घर में पहला घुसो, बट टिल नाउ दे हैव टू सफर इन टर्म्स ऑफ वाटर चार्जेस आर डबल, इलेक्ट्रिसिटी इज डबल.
सो दैट हैज टू बी द थर्ड एंड द फोर्थ इज फंड रेजिंग. सो इट इज़ अ वाइड ऑप्शन. फंडिंग कौन करेगा, बिल्डर के पास फंड है कि नहीं, इफ यू आर गोइंग फॉर सेल्फ रीडेवलपमेंट हाउ यू विल गेट द फंडिंग. सो आवर अप्रोच ऑफ टूडेज session is to give you solutions, not only just give you information, because we are living in information. Aaj internet hai, Google hai, koi bhi kuch bhi Google pe dalo aapko jawab turant milta hai, you don't need someone to tell you. But we are not in an information, we are transformed to a knowledge society. So how do you assimilate all the knowledge, all the information assimilated, how to use, when to use, to what issue to use and where to use. That is what is important, where you need a professional input to tell you and guide you in that. Then there are legal services also. That also you will hear Tarun Giya ji, in terms of what are the legal processes, what are the laws, income tax lagega ka nahi, GST kon bharega, that he will highlight and explain to us. And execution of the total, that is when you go out. When the plans are passed, buildings are demolished, and then when you go out, so during that period till you come back, the role of the PMC is to see that the construction is done properly. Builder usme reti mein cement milata hai ki cement mein reti milata hai, wo sab janna zaruri hai. But there is technology also now with artificial intelligence, you also can get that information, which I will further highlight you. So it is, as a PMC is not a one man show, it is a whole team. In terms of legal services are there, architects are there who do the planning, who show you the planning, and every time you have to insist for information, for knowledge. I want this, mai bahar jaunga to wapas kaun se floor pe aunga, you should know what is the plan, kyunki plan banta kuch hai, dikha kuch hai, aur fir finally tumko kuch dene mein aata hai, so it is by that time it is too late. So those conditions have to be understood and adhered to, not just jump. Builder aaya wo sab karega, jaan chudao, but tum tumhara ghar risk leke jaan nahi chuda sakte. That is the whole idea. Samjho, it is not in a hurry, but you have to get that knowledge, information. That is my purpose of that. So the architects are there, marketing is there, financial issues are also there. So this is the scope of working. प्लानिंग होता है, प्रोग्रामिंग होता है, प्रोग्राम्स आर मेड, रेरा कम्स इनटू द पिक्चर, रेरा कम्स इनटू द पिक्चर. रेरा इज द बॉडी विच वॉज मेड इन 2017 टू ब्रिंग सम डिसिप्लिन इनटू द बिल्डर्स, एंड टू सम एक्सटेंड दे हैव बीन सक्सेसफुल आल्सो, राइट. सो लीगल एस्पेक्ट्स आर देयर, कंपेरेटिव असेसमेंट इज टू बी मेड. एक बिल्डर आया, दो बिल्डर आया, हु विल स्टडी. PMC will give you a comparative chart. Decision आपका होना चाहिए कि किसी को अपॉइंट करे, तो बेस्ड ऑन दैट वी विल गिव यू. उसके बैंक बैलेंस में पैसा है या नहीं वो हम बताएंगे आपको, वो कर सकता है कि नहीं वो बता सकते हैं, उसका इंटेंशन क्या है वो बता सकते हैं. तो पास्ट ट्रेंड उनका हमें बता सकता है कि वो क्या हद तक जा सकता है, क्या नहीं कर सकता है. तो दीज आर द इम्पोर्टेंट इश्यूज. डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. I'll give you a recent example. Bandra ka hai, Bandra Talao ke paas. January, builder was appointed in the presence of everyone, in the presence of the registrar, with the commercial shops on ground floor were promised ground floor. After 6 months, he's saying I'll give you on first floor. So is that acceptable? No. जिसने जिंदगी भर 40 साल दुकान नीचे रखा उसको बोलेगा पहला माला जाएगा, नहीं जाएगा. So there are आइडियाज़ आर देयर कि तुमने उसको अपॉइंट करने के पहला ये सब लिखा पढ़ी होनी चाहिए. इट शुड बी इन राइटिंग व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, वेयर आर यू गोइंग टू गेट, हाउ आर यू गोइंग टू गेट. वील गो थ्रू, देर आर 72 क्वेश्चंस यू शुड आस्क अ बिल्डर. ओके, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर. एंड देन राजेश मात्रे हु इज एसोसिएटेड विद अस, he is also an ex KDMC professionals. The idea is professional input is also required and their experience is also required. Tarun Giya ji, we are fortunate he is here with us, and he is going to talk on the legal process, real estate laws and the documentation part. And we concentrate on also lands which are on BMC and MADA. There is a safety in doing MADA BMC land because the title issue is not there. Suddenly कोई बीच में से आएगा नहीं,
कि मैं ओनर हूँ, या तो मेरे बाप जगह की जगह थी, या तो मैं केयर टेकर हूँ. सो दीज आर द इश्यूज एंड सेफ्टी मेजर्स वी डू सी, बट द प्रॉब्लम स्टेज बिल्डर सिलेक्शन एंड नेगोशिएशन इज टाइम कंज्यूमिंग. बेस्ट ऑफर प्रोवाइडिंग डेवलपर्स विल नॉट नेसेसरीली बी अ वेल फाइनेंस एंड टाइमली एग्जीक्यूटेड. एलिगेशन ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस आर ऑलवेज देयर बिटवीन मैनेजिंग कमिटी एंड मेंबर्स. Since I had last program on 11th August till now, the issue coming to me is that managing committee is not responding. Managing committee हमको information नहीं देती है, वो खुद select करती है, खुद अपना PMC लाए, खुद अपना builder लाए. This is the burning issue. Before any successful redevelopment can happen, this is the burning issue. We will try how far we can resolve that. तो सोल्यूशन इज पास ऑन ऑल द इंफॉर्मेशन, आस्क फॉर क्वेश्चंस, आस्क फॉर क्वेरीज, गिव इंफॉर्मेशन. एक पेपर मांगता है उसको चार दो. सो टिल दैट डजेंट हैपन, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ गेटिंग द डिटेल्स, हु इज द आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट ने क्या बनाया है. यू शुड गेट इक्वल चांस टू कंसेंट लेटर भी रहता है. यू शुड हैव एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क योर ओन कंसल्टेंट्स और ओन लीगल पर्सन. DA भी आता है तो बोलते हैं चार दिन में ओके करो, तो 80 पेज डॉक्यूमेंट इज नॉट पॉसिबल दैट वे. सो दीज आर द इश्यूज विच कम डाउन. सो वी हैव टू सी दीज आर द ट्रेंडिंग इश्यूज. द बेस इज हाउ अ सोसाइटी यूनाइटेडली, वेयर सर्टेन सोसाइटीज में आई हैव ऑब्जर्व लाइक द मैनेजिंग कमिटी बिहेव दैट दे आर द लैंडलॉर्ड्स एंड एवरीवन इज अ टेनेंट. सो दैट शुड नॉट हैपन एंड दैट इज हाउ इज द नीड ऑफ द आवर. These are what past are there. 7,000 projects are still not working or they are stalled for want of documentation of your funds. So somewhere something is wrong. We have to identify that. To some extent we will identify today and let you know. But one of the key elements which we will understand today is proper documentation. Every challenge should be recorded, every challenge should be understood, and every challenge should have a resolution embedded in your document. So role of a PMC is carry out structural audit, whether your building is desperate for a repair or it can go for redevelopment, whether you can go for redevelopment without repair, how much time it will take or should you get. So that is, you have to understand where you stay. Ke jo ghar mein aap rehte ho wo agar 2-3 saal redevelopment ko lagta hai, इज इट सेफ टू से अभी रीडेवलपमेंट में जाना है, अभी रिपेयर क्यों करें. लेकिन वो छत पे आप तो 50% अपनी लाइफ जी रहे हो. आप 9 से 10 बजे सुबह निकलते हो, शाम को 6-7-8 बजे आते हो, तो रात के 12 घंटे तो आप घर में हो. तो जो घर में आप 50% ऑफ योर लाइफ यू आर स्पेंडिंग, हाउ सेफ इट इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड यू हैव टू टेक दैट करेक्टिव मेजर्स. रीडेवलपमेंट होगा, हम जिंदा रहेंगे, तो अगर हम ये चीज पे ध्यान नहीं देंगे तो हमें आगे सोचना भारी पड़ जाता है. सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स. अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट विल ऑल्सो टेल यू, अ रिपेयर विल ऑल्सो दे, द स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट भी आपको बोलेगा. देन कम्स द टेंडरिंग विच आई जस्ट एक्सप्लेन. कंपेरेटिव चार्ट बनता है, फाइनलाइजेशन होता है एंड देन वी प्रोसीड फर्दर. फाइनलाइजेशन ऑफ बिल्डिंग प्लान्स, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया बांद्रा स्टेशन की प्रॉपर्टी का, प्लान्स वर नॉट मेड, प्लान्स वर नॉट शोन, प्लान्स वर नॉट अप्रूव, बिल्डर को अपॉइंट कर दिया. तो देन इट इज इसके एक बिल्डर को अपॉइंट करने के लिए पूरा प्रोसीजर जाता है. तो देयर कोर्ट के ऑर्डर सब बोलते हैं मेजॉरिटी विंस, माइनॉरिटी हैज टू गो बाय मेजॉरिटी, बट देर आर ऑर्डर्स फ्रॉम कोर्ट रिसेंटली वेयर द कोर्ट सेज माइनॉरिटी इज नॉट सेफ गार्डेड. There was a clause of bank guarantee he has not given, so I will support the minority also. So with that trend जो होता है कि 51% consent मिला, हम जंग जीत गए, आ गया है जिसको जो करना है करो, is not the right attitude. It is understanding everyone, क्योंकि हर एक ने पैसा दे के घर लिया है, फ्री में तो घर आया नहीं है. So if they are equally owner and responsible and they have to be respected and honored. So these are the issues, possession, occupation. There will be issues in a redevelopment. There is a dispute in the house in terms of title. The parents have expired, ghar unke naam pe hai. The
चार भाई है, दो भाई रहते साथ में, दो बार रहते, सो बात आएगा डिस्प्यूट का कि उसमें मेरा भी हक लगे कि भले मैं बाहर रहता हूँ, बट रीडेवलपमेंट शुड नॉट बी स्टॉप बिकॉज ऑफ दैट. सो द इश्यूज वॉज वेरी सिंपल. जो आपको पोजेशन देगा एट द टाइम ऑफ वेकेटिंग, यू विल गिव हिम द पोजेशन ऑफ द फ्लैट. टाइटल दे कैन सॉल्व वेन एवर दे वॉन्ट, बट दिस रेंट भी जो खाली करके दे रहा है उसको देंगे. सो द स्टेप्स वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड टेक इट फॉरवर्ड कि हाउ इट कैन बी सॉल्व. दूसरा आएगा, मैं अभी पहले माले पे हूँ, मुझे पहले माले मिलेगा, चार माले मिलेगा, छः माले मिलेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड कीप योर फुट डाउन के आई नीड एवरी इंफॉर्मेशन. यू आर फ्री टू कंसल्ट योर ओन एडवोकेट्स. यू शुड गेट दैट टाइम कि समझो, हमें समझना है, हम एक घर छोड़ के दूसरे घर के ख्वाब में जाते हैं, लेकिन यू हैव टू बी वेल इन्फॉर्म, वेल इक्विप्ड एंड वेल अवेयर. सो बेसिकली आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू, ये है माड़ा का लेआउट. ओके, सो दिस इज द प्लॉट एरिया ऑफ अ सोसाइटी विच गिव्स यू दिस, एंड दिस इज द बिल्डिंग एरिया. अभी माड़ा का जो लेआउट में है, तो उनका समझो इसमें 1400 स्क्वायर मीटर्स का प्लॉट है, बिल्डिंग का बिल्टअप इज 900 मीटर्स. ओके, सो इन अ माड़ा लेआउट 1400 मीटर्स यू विल गेट 3 FSI, बट इन अ माड़ा लेआउट ऑफ 25,000 स्क्वायर मीटर्स देर आर इंटरनल रोड्स. ओके, सो दैट बिलोंग्स टू माड़ा. सो इसे उसका भी 3 FSI आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट विथ ऑल दी मेंबर्स. तो यू कॉल गेट अ प्रो रेटा एरिया फ्रॉम इंसेंटिव. जैसे कि दिस पर्टिकुलर सोसाइटी इनका फ्लैट एरिया इज 56 मीटर्स, उनको प्रो रेटा एडिशनल मिलता है 60 मीटर्स, इक्वल टू दैट साइज प्लस 3 FSI. सो इट इज अ सिचुएशन यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डू आई गेट. सो हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस एरिया ऑफ द प्लॉट, व्हाट इज फ्लोर स्पेस इंडेक्स, FSI इज कॉल्ड, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द फ्लोर टू द एरिया ऑफ द प्लॉट. So, जैसे कि माड़ा बोलती है 800 मीटर का प्लॉट है, 1000 मीटर का प्लॉट है, तो 1 FSI हुआ तो मुझे 1000 मीटर मिलना है, 1.5 होगा तो 1500 मिलेगा, 4 FSI होगा तो मुझे 4000 बांधने को मिलेगा. एंड देन कम्स के अगर 4000 में आपको कितना देना है, बिल्डर को कितना मिलेगा, ताकि इट बिकम्स अ वायबल प्रोजेक्ट फॉर यू. सो DCVs दे रहा DCR 33.5, 33.7, 33.7A, 33.9. 33.5 is where societies are under MADA layout. So they have a set of guidelines. They have a FSI of 3 plus 35% fungible hota hai. So it crosses around 4.2. So that you should basic understand ki 4 FSI minimum milega, pro rata add hoega to 5 FSI bhi hoega. So Charko Kandivali area 5, 6 FSI ke niche kuch bhi nahi hai. So you should understand that when you are getting a presentation, you have to understand ke pro rata kya hai, ye puchna. Jabhi bhi aapke paas proposal aata hai, and if you are mara, what is the pro rata FSI I am getting? 33.7 is says building private land ho sakta hai, or government land ho sakta hai, where the building is managed by mara. पहले क्या था कि लैंडलॉर्ड सिस्टम था, लैंडलॉर्ड बिल्डिंग होता था. लैंडलॉर्ड 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपये में बिल्डिंग आपका मेंटेन नहीं कर सकता आज की तरह. सो व्हाट हैपेंस, लैंडलॉर्ड टेल्स माड़ा भाई तू संभाल उसको, तू उसको रिपेयर कर और टेक केयर ऑफ इट, उसके बदले यू हैव टू पे सेस विच इज वेरी नॉमिनल कंपेयर टू व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द. सो दे हैव अ डिफरेंट सिचुएशन. नाउ दिस 33.57 is different for South Mumbai and it is different worrisome for North Westerns. There it is, जैसे बॉम्बे में 1000 मीटर के प्लॉट में वॉल टू वॉल 5 माला है. सो 5 FSI तो ऑलरेडी दे यूजिंग. सो हाउ डू दे गेट पॉलिसी 1.33 प्लस TDR बोलते हैं. सो उधर पॉलिसी ऐसा है कि वॉट एवर यू प्रपोज टू गिव टू द टेनेंट, you get up to 80, 85, 90% of that area to build. So then only it becomes viable. जैसे कि आपका 500 है, वो आपको 700 देता है बिल्डर, तो 700 का 90% उसको बांधने को मिलता है. But that is not there in the suburbs, which we have represented, made representation also, कि why that difference. जैसे NA tax था, which अभी finally got abolished, south में नहीं था. Beyond Mahim, Bandra, पूरा NA tax was there. So there is somewhere something is
not happening properly, which we have to protest. So similarly, nonsense building hai, which is there, tenanted buildings hai, but they are not a nonsense, they are nonsense building. So unke liye bhi limited ek FSI hai, but wahi south mein you go on incentive basis, it is called incentive FSI. Jidhar seema ka koi hai nahi hai, FSI ki koi had hi nahi hai. 8, 10, 12, 15, jo bhi hai, you can see. In South Bombay, it has gone to that also. Currently, I am doing one project in Mazgaon, Hasnabad Society, 8.5 FSI. Okay. So, aisa hai apni paristhiti aaj ki tarikh mein. तो जब भी इलेक्शन में आपके पास कोई आवे इलेक्शन वोट लेने तो ये सवाल पूछता कि हमको ऐसा क्यों बर्ताव करते हो. 339 इज व्हाट इज अ क्लस्टर. ओके 339 इज अ क्लस्टर. क्लस्टर इज वेयर अ मिनिमम साइज ऑफ अ प्लॉट. साउथ बॉम्बे इट इज कॉल्ड आइलैंड सिटी. इट इज 4000 मीटर के ऊपर का प्लॉट हुआ तो आपको क्लस्टर होता है. इन सबर्ब्स वेस्टर्न इफ इट इज अबव 6000 मीटर्स. इधर भी तफावत है कि सबर्ब्स में 6000 मीटर्स है तो आप क्लस्टर में आते हो. तो क्लस्टर में यू गेट वन एफएसआई एक्स्ट्रा. जैसे माड़ाक का प्लॉट भी अगर 4000 मीटर के ऊपर हुआ और 6000 मीटर सबर्ब्स में तो तीन एफएसआई है तो गेटिंग वन एफएसआई एक्स्ट्रा. एंड देर आर वेरियस एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम्स एंड ऑल दैट. सो देर आर इट्स अ वास्ट फील्ड इन टर्म्स ऑफ सो मेनी स्कीम्स आर देर. वी गेट लॉस्ट, वेयर डू वी स्टैंड. देन इतना बहुत समझने के बाद आता है कि तुम्हारा रोड विथ कितना है. 9 मीटर है, 12 मीटर है, 18 मीटर है. ओके सो देर आर चैलेंजेस लॉट ऑफ देर वेयर वी हैव पुट इट अप सजेशंस बट वी आर वर्किंग ऑन इट. सो 33.5 डायरेक्ट फ्लैट सेल बाय माड़ा है. माड़ा हैज गिवन लैंड ऑन लीज. माड़ा में भी तफावत है. हमने आपको लीज पे दिया है, हमने आपको डायरेक्ट सेल किया है या क्या किया है. बिकॉज इन माड़ा द बिगेस्ट चैलेंज इज टेकिंग कन्वेंस ऑफ योर बिल्डिंग. इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर रीडेवलपमेंट एंड यू आर ना माड़ा प्लॉट, यू हैव टू टेक कन्वेंस ऑफ योर बिल्डिंग एंड यू गेट अ लीज ऑफ द अबटन लैंड. कन्वेंस इन शॉर्ट इज दैट यू गेट द ओनरशिप ऑफ द बिल्डिंग. सो टुमारो इफ एनीथिंग हैपेंस टू द बिल्डिंग देन योर राइट गोज टू सम एक्सटेंट. बट दिस इज हाउ इट इज एक्सप्लेन. So now people pay premiums also, otherwise you have to give certain share to MADA. So now that is also waived off. So there, as I just said, the road width ke hisab se, either you get 3 FSI, if you are abating 18.3 meters road, aapka bada hai, so then you get 4 FSI. This is how pro rata is calculated. Okay, this is a total 10,000 square meter ka layout hai. 10,000 square meter mein देर इज अ रिजर्वेशन. ओके तो 1000 स्क्वायर मीटर का रिजर्वेशन है तो प्लॉट हो गया 9000. अभी उसमें रिजर्वेशन जो आप देख रहे दिस ऑल इज देयर इज 4000. सो योर नेट प्लॉट हैज बिकम 5000 स्क्वायर मीटर्स. ओके सो 4000 स्क्वायर मीटर्स का इधर एफ एस आई 3 तो 12000 मीटर और ये पूरा लेआउट में देर आर 300 टेनेंट्स. सो डिवाइड बाई दैट यू गेट 40. So each flat will get 400 square foot extra FSI. That is called pro rata. Okay, I will share this screen, don't worry, so you can understand it better. Okay, so this is how it is all calculated. These are the road FSIs. This all iska bhi FSI is given to all. So coming to housing societies, especially in the suburbs and Bandra and all that, it is called 33.7b. 33.7b, उसमें भी एक इंसेंटिव है कि इधर यू गेट 100 स्क्वायर मीटर्स एक्स्ट्रा और 15% ऑफ द एरिया विच एवर इज मोर. बट दैट इज एडजस्टेड अगेंस्ट टू योर TDR ऑल्सो. अभी वॉट इज गोइंग इन मेनी सोसाइटीज आर फ्रॉम बैंड्रा ऑल्सो, आई सी सबर्ब्स ऑल्सो. सो देर आर क्लबिंग ऑफ सिक्स स्कीम्स. 33.7b इज बींग क्लब विद 33.11. इट इज कॉल्ड PTC. ओके PTC कैसा है, किसी ने ओशीवरा में स्लम का प्रोजेक्ट बनाया, उसने सेलेब रियाप कंपोनेंट बना दिया, सेलेबल नहीं बनाया. तो सेलेबल का जेनरेट होता है TDR सर्टिफिकेट विच ही कैन सेल इन बैंड्रा. सो दैट इज हाउ
सपोज इन अ नॉर्मल बैंड्रा में अगर 18 मीटर्स का रोड है तो यू आर गेटिंग 2.4 FSI प्लस PTC 1.5 कम्स टू 3.9 प्लस 35 फंजीबल तो 5.4 FSI. बैंड स्टैंड का आई कैन शो यू द प्लान्स व्हिच आर गोइंग ऑन और पास्ट आल्सो ऑन 5.4. सो अगर कोई बोलता है आपको बिल्डर के आपको 3 FSI मिलेगा 3.5 मिलेगा तो यू कैन वेरीफाई दिस वे. ओके, यू कैन गो टू ऑटो DCR MCGM वेबसाइट, आपका प्लॉट नंबर डालो, आजू बाजू का प्लॉट नंबर डालो, यू गेट द प्लान ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग एंड विल गेट टू अंडरस्टैंड. सो एवरीथिंग इज अवेलेबल, इट इज जस्ट यू हैव टू नेविगेट एंड गो देयर. सो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ रीडेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज इन मुंबई? सो करंट सिचुएशन इज एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विच टू सम एक्सटेंड इट इज बीइंग इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट in terms of the coastal roads and metro and all, a good efforts have been made and good relief is released. Like you can imagine from Nariman Point to Bandra in 15 minutes, which was not possible earlier. So infrastructure government is taking care of. Increased land values, so it is difficult to retain yourself in Mumbai. You have to move towards further down. But it gives you a quality of life, improved quality of life. In terms of you get connected to the nature through recreation, gardens and various issues and all. Government incentives are also there, which are increasing. Like MADA has a very good policy where if you are going for cluster, so even if you have a house of 225 square feet, you are eligible for minimum 480, 115%. Currently, I am the PMC of one of Mumbai's largest cluster redevelopment in Kandivali. It is a MADA layout, 115 square meters. So minimum they are getting, they have a 225 square feet, all 3,500 flats, one size 225. They are minimum getting 480. So this is how government is all out, especially MADA is always people friendly in terms of giving FSI increase. Okay. Urban renewal projects play a crucial role, which is happening. But what are the challenges? Relocation and rehabilitation. मैं बांद्रा में रहता हूँ, मेरा redevelopment होगा, मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं बांद्रा में ही रहूँगा. तो बांद्रा में मुझे इतने में flat मिलेगा, इतने मुझे rent मांगता है. जो वो सोचना भी गलत नहीं है. But this is one of the challenges in relocation, rehabilitation, funding. Securing adequate funding for redevelopment projects can be a challenge. Housing societies often need to raise substantial capital to cover the cost. So to some extent, today we are going to solve that problem, Maharashtra State Cooperative Bank. And community consensus has to be there. As I insist, no project, no redevelopment will ever happen unless that difference is there, communication is not there, information is not passed on. It cannot move. Ultimately, everyone lands in the deputy register's office for their complaints. So it's concrete. Money is flowing into Indian reality. So that is a reality. Foreign funds are coming. They are putting money. You can see projects are announced. Projects are given by government. And this is how is the situation of... But the common man, mere liye kya hai usme? दुनिया भर का पैसा आने दो, दुनिया भर का प्रोजेक्ट्स आने दो, लेकिन मैं मेरी बिल्डिंग से जुड़ा हूँ उसका क्या? हाउ सेफ आई है, मुझे क्या मिलना है, उससे मुझे क्या फ़ायदा होना है? लेकिन मैं फिर भी इधर उलझा हुआ हूँ, मेरी मैनेजिंग कमेटी से लड़ते लड़ते मेरे को समझ नहीं आता है, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, तो ये सब किस काम का? ओके, तो उसका है कि हम अगर बिल्डर अपॉइंट करते हैं तो हमें क्या क्या पूछना चाहिए. सो 72 क्वेश्चंस विल टेक टाइम, बट आई एम गोइंग टू शेयर दिस विथ यू ऑल. सो बट बेसिक स्मॉल क्वेश्चंस आई विल टेक इट इन वन मिनट. दिस हाउ मच एक्स्ट्रा एरिया आई विल गेट, व्हाट आर द हिडन एक्सपेंसेस, GST आपको लगेगा कि मुझे लगेगा? क्योंकि हम पोजेशन लेंगे तभी बिल्डर बोलेगा GST भरो, तो डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं वो तरुण गिया जी आपको समझाएंगे. So there are questions, who will pay the registration fees, how much area I am going to get, what is the height of the newly constructed building, will the society have a separate office, what are the additional amenities that will be provided by builder to each individual flat purchase. Okay,
Who will keep control of the common amenities? By what time will the building be constructed? Please explain the bar chart, the timelines. कितना टाइम लगेगा, किसको क्या लगेगा? Everyone is answerable, the builder is also answerable. तो ये सब स्क्रूटनी होने के बाद आपको डिसीजन लेना है कि मुझे ये बिल्डर चाहिए या नहीं चाहिए. What will be the number of story buildings which will be constructed? How many buildings will be constructed? If a person wants additional area, how will it be accommodated? मुझे एक्स्ट्रा एरिया चाहिए, मुझे क्या भाव लगाएगा, कैसा लगाएगा, उसका एडिशनल का स्टैम्प ड्यूटी लगेगा नहीं लगेगा, कितना लगेगा मुझे. विल देयर बी 3 फेज मीटर इन माई फ्लैट और नो? इफ आई एम गेटिंग बिगर फ्लैट्स, मोर एसीज, तो तुम 1 मीटर, यू सी दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच मे लुक्स वेरी स्मॉल बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने थोड़ा बहुत सोच समझ के लगाया है. नॉट टू डिस्करेज फॉर अ बिल्डर टू कम इन, बट टू क्लैरिफाई ऑल दिस, कि भाई ये क्लैरिफिकेशन है, ये सब सुनो, ये समझो, ये खर्चा है, उसके बाद आप 5% कम भी एरिया देंगे तो हम लेंगे, बट वी विल बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट. वॉट आर द GST implications? सो आवर स्लीपिंग पार्टनर इज ऑलवेज विथ अस, कि कुछ भी करो मेरा 18% खुश है मेरे लिए, तुम लड़ो झगड़ो करो कुछ भी करो, मेरा GST है. सो वी हैव टू ओबे दैट, एक्सेप्ट दैट. सत्ता के सामने हम कहां पर आगे जाएंगे? व्हाट आर द इनकम टैक्स एप्लीकेशन? आई मस्ट से तरुण गिया जी वाज द फर्स्ट पर्सन टू गेट अ ऑर्डर वेयर देयर इज नो इनकम टैक्स इन रीडेवलपमेंट एट द टाइम व्हेन ही गॉट दैट ऑर्डर. फर्दर उसके बाद क्या होगा वो हमको समझाएंगे. व्हाट इज द बेस्ट टैक्स प्लानिंग अप्रोच? व्हाट विल बी द लाइकली लोन रेट? व्हाट विल बी द, कि मेरा फ्लैट तो लोन पे है तो NOC मुझे बैंक से लाना है नहीं, तो नहीं लाना है. आपको बिल्डर अगर ट्रिपल अग्रीमेंट करेगा, PAAA, वो आपको वापस जमा करना है और कुछ करना नहीं है. व्हाट विल बी, व्हिच आर द बैंक्स विद व्हिच प्रोजेक्ट्स विल बी एम्पैनल्ड? अप्रोक्सीमेटली हाउ मच लोन कैन अ फ्लैट परचेसर एक्सपेक्ट? सोसाइटी शुड बी एबल टू टर्मिनेट द डेवलपमेंट अग्रीमेंट इफ देयर इज सब्सटेंशियल डिले बाय द बिल्डिंग एज रिगार्ड्स. दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट. पर वो सब लिखेला होगा, डॉक्यूमेंट हुआ होगा कि तू ये नहीं करेगा तो इसका रिजल्ट ये आएगा और इसका सोल्यूशन ये आएगा. तो क्वाइट सम एक्सटेंट सोल्यूशंस आर एम्बेडेड इन अ डॉक्यूमेंट बिफोर गोइंग टू द कोर्ट. दैट इज द होल आइडिया. हाउ डू वी इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट डज नॉट गेट डिलेड ड्यू टू लोन टेकन बाय अ मेंबर फ्रॉम द बैंक? सो उसका सोल्यूशन कोर्ट का ऑर्डर है. Just do the PAAA agreement and you submit it to the bank. What is the importance of title clearance certificate before undertaking redevelopment? Most important, title hai ke nahi mujhe? Convince nahi hai, aao builder karke denga na humko, humko kyu karna hai? Fir wo builder 1 saal lagega, 1.5 saal lagega, tumhara title hi clear nahi hoga, usne project leke baith gaya. Aapke sath DA kiya aur baith gaya, fir aap usko follow up karte raho. What are the documents that have to be given at the time of obtaining probate, letter of succession? Is a membership issue which is also very hot and crucial between the managing committee and members, which in the question answer we'll address to, ke how they are being troubled or because of less knowledge or no knowledge, or they feel they have all the knowledge. Should members file nomination form when building is going for redevelopment? So these are the questions which you have to understand and take it. Now I'll come to the 79A guidelines. Okay, ke what are the key 10 important points on 79A guidelines? Because the trouble starts with that only. 79A is as per MCS Act, you have to obey, and if you don't obey, if you violate, the deputy registrar can dismiss the committee also, and it has happened also recently only. R North Society violated. It happened. K West Ward, Deputy Kotwal ji was there. 4 buildings, 85% consent, but not were violating the laws. One single man, doctor, he complained. Deputy Register with 1 letter. I am calling for inspection of all your societies, all 4. Till then, don't do anything. 1 simple letter. So it is very important. There are court's orders. People will say. इट इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, तुम्हारे हित में है, तुम्हारे बेनिफिट में है कि तुम्हारे अगेंस्ट में है.
अगर मैंडेटरी नहीं रहेगा तो जो मैनेजिंग कमेटी आएगा करेगा उसका क्या इलाज। तो इट इज इम्पोर्टेंट, सो मैंडेटरी जनरल बॉडी मीटिंग्स होता है, इवन द पीएमसी अपॉइंटमेंट यू हैव टू हैव शो दीज आर द थ्री कोटेशन वी हैव रिसीव्ड एंड आउट ऑफ दैट द जनरल बॉडी विल डिसाइड होम टू you can call the all three pms to give their performance or the presentation and then you decide, that is the first way rehta hai, kyunki aksar kya hota hai human tendency sabka rehta hai ki hum pmc ka paisa kyun bhare, builder bharega general is it, to main hamesha aksar puchta hu ye sawal har session mein ki agar aap ka main pmc hu aur aap bolenge ki builder meri fees denga to main builder ka hua ki aapka hua, so it has to be embedded to know he is our pmc, he is our legal consultant, this is his fees, builder has to pay, but it is from our this contribution or whatever due to us from you we will pay, then that you know that clarity comes. So appointment of pmc from three quotation is a must. Okay, transparency and fairness, this is the key line. Ye sab जिस दिन इम्प्लीमेंट होगा ये सेशन भी करने का जरूर नहीं है, क्योंकि इफ देयर इज ट्रांसपेरेंसी यू आर गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, इफ यू आर गेटिंग एवरीथिंग तो ये सेशन सुनने की भी जरूर नहीं है आपको, बट दिस इज द मोस्ट प्रॉब्लम मेंबर्स कंसेंट। रात को भेज देते हैं फॉर्म, ये कंसेंट साइन करके दे दो सुबह, दैट इज नॉट द वे, यू शुड बी एबल टू रीड इट, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, यू कैन आस्क 10 पीपल व्हाट आई एम गिविंग इन माई राइटिंग is acceptable or is against me. Developer selection, the most crucial stage is this. Kitne program kiya hai, kitna past projects hai, kitne, this I just mentioned earlier. These are the small, small things, and today the alarming situation is that we are heading for a concrete jungle. Is builder 4 saal pehle tha bhai project lao, project lao, project lao, abhi he has to decide ye project lu ke nahi, या तो विच प्रोजेक्ट इज गोइंग टू गिव मी मोस्ट मनी आई डिसाइड दैट। तो इट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन एट मोर कि हाउ डू यू सिलेक्ट द बिल्डर, वेदर अ बिल्डर में बी वेरी गुड, वेरी केपेबल, वेरी एफिशिएंट, बट एवरीवन हैज देयर ओन लिमिटेशंस, इफ इज ओवरलोडेड देन व्हाट, ज्यादा हद से ज्यादा काम ले लिया हो तो वो भी क्या करेगा, तो वो सब सोचना जरूरी है। व्हाट आर द मेंबर्स राइट्स इन टर्म्स ऑफ during the process of redevelopment is also very important, the timelines and deadlines. As we said today, we had a agenda made, so I always used to say to myself, if I don't start the program in time, how as a PMC will I ever deliver them on time the project. So I just told Sunil Sharma ji ke nahi hum start karenge, we respect everyone's time and we'll follow it, and rest will all come that way. Legal compliance is very, very must, and the right person to get is a must. So dispute resolution is important, professional guidance is important, and this is the basic 17A guidelines. I just showed you that in today's session, I think almost 35 to 38% are there from the managing committee who are sitting over here, who had registered. Rest are members also. So at least take this message, try to give them information as much as possible, whether it is appointing of PMC or it is an offer from the builder or if it is a meeting documented or no, so then only things can move ahead. So next thing is, what is there as a part of information, disruption of banking ho gaya UPI se GPay se, जो एक चेक लेने हम जाते थे खुशी खुशी, डिपॉजिट करते थे, दो दिन के बाद पास होता था, आज एक सेकंड में हो गया। सेम थिंग इज हैपनिंग इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आल्सो, हाउ टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग इन गेटिंग बेटर होम्स, बेटर कंस्ट्रक्शन एंड विद द स्पीड ऑफ टाइम। सो देयर वाज अ सेशन रिसेंटली ऑन दैट कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू। इंफॉर्मेशन तो आप गूगल पे मारेंगे, बट वंस यू स्टार्ट यूजिंग AI also, how fast it goes is to be understood. So the role of artificial intelligence, I'll take 1 minute, but it is very important to see that. Design planning, construction management, site supervision, construction robotics, supply chain management, energy efficient risk management. It is so fast that you can't imagine also.
So this is the power of artificial intelligence. People in this session today, some of them or many of them may be aware of it, but this is trending and overtaking. How it can go to disrupt the knowledge industry, the construction industry, how it is going to be helpful, how it is going to be beneficial in terms of getting. As I said, information to duniya bhar ka hai Google pe. Assimilating that knowledge, that information, collaborating, collating it, and then using is the knowledge society we are looking for. So this is, I am going to publish a book, Aashiyana, Reviving Mumbai. Reviving Mumbai, Guide to Self-Development for Housing Society, author Akbar Jiwani. These are the table of contents. But do I have the time to write all these books? No, if I am doing that, writing only, then nothing I can do. This is with the help of artificial intelligence. Within no time, I make a book and I publish the book, what I want, how I want, what are the inputs and all that. So to tell you, okay, this is the changing world. We have to be just aware of it and get to know. Now I'll come to area statement. So basically, I've just run through it. What is the FSI? How do the FSI is calculated? Fungible kya hai? Road ke hisab se aapko kya FSI milta hai? Wo understanding aapko diya hoon. Additional area is calculated. Ke what is your demand? 25%, 35%, 45%, and what you are eligible and what you want. So that gives you an area. It gives you the earning statement ke jo saleable component aayega, uska aapki area mein kya rate rahega. तो उसका एक अंडरस्टैंडिंग आपको दिया हूँ कि इसमें रोड सेटबैक आता है तो आपका नेट प्लॉट छोटा हो जाता है लेकिन उसका एफएसआई आपको मिलता है. वो मिलने के बाद आपको कितना एरिया है, अगर आपका 3 एफएसआई है, माड़ा का प्लॉट है, उसके बाद 35 फंजिबल एरिया है, ओके, एंड देन यू गेट द टोटल एरिया बिल्टअप. देर इज अ डिफरेंस बिल्टअप एरिया एंड कार्पेट एरिया. So carpet area of 100 hai, so built up area will be 115, 15% more. This is how you have to calculate. So when a builder is negotiating with you, be careful to ask MOFA carpet, wall to wall, and not even RERA carpet, because 480 MOFA carpet is equal to 508 RERA carpet. So these are the areas for you to understand. Expense statement mein dekho kitna bahut aata hai. Premiums have to be paid. Fungible FSI has to be paid, scrutiny cost, IOD cost, debris cost, welfare cost, development charges, building, infrastructure, other costs. Then tenant is, rent is also a cost, corpus people are asked, and last mein hamara partner GST. So these are the expenses part. So understanding hona chahiye, ki agar builder 1 rupiah dalta hai, to ujhe 1 rupiah profit hona chahiye. वो समझ के हम चलेंगे तो हमारा माइंड क्लियर होएगा कि उसको क्या मिलता है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें क्या मिलता है, लेकिन हमें मिलने के लिए उसको मिलना जरूरी है. ओनली इफ इज मेकिंग मनी, ओनली इफ इज मेकिंग मनी, देन आपको लगेगा कि हमारा प्रोजेक्ट क्लियर होगा. सो दीज आर द बेसिक एफएसआई. आई एम गोइंग टू शेयर दिस विथ यू, ओके. सो these are the incentive FSIs which I shared with you, and premiums jo hai, one minute, I'll just go through it. So these are the premium, scrutiny, fungible, development charge, development cess, welfare, everything is there. These are the 3311 which I just explained to you, okay. So in short, feasibility report, role of PMC, feasibility, fundraising, legal compliance, and this is how it works for him. The construction, this is the last portion I'll say. What is the changes coming in terms of mass construction, which is a change of the hour. If you see this, roads, bridges, metros are made by the bridges made somewhere else. It is brought over here to the site and it is just assembled. But consistency of the size of the material, and you have to just fix it. So this is what is going on. Low cost home 3D printed in just 5 days. अगर आपको कहाँ पर row house बनाना है, ground plus one, 5 days, 7 days your home is made. This is fully 3D printed. एक machine लगता है, machine is connected to a laptop. Design set हो गया, computer में डाल दिया, machine के through जाता है. You don't have to do anything, just one person to just monitor and follow.
So this is what is happening, but where is it for us? Texas to inaugurate world's first 3D printed hotel, Pura, in no time. So this is what is happening. So how about residents? So these are, see, ideas what they are coming. In Japan there is a sink where for washing hands on the toilet itself, so that the same water can be used again in the flush. Japan saves millions of liters of water every day. So these are small, small things which sustainable living has to reach. Because if you go to a new house, then you have to maintenance. Now, if you have 1,000 rupees, then it will be 4,000 rupees. So these are the ways. Solar panels are there, solar light is there. This you have to think. Okay. So recently there were meetings where the new housing policy has been released, the draft, where I happened to attend and gave them. Because for self-development, they have made a notification in 2019. 13 September, but they are not put to use. Where in self-development you get 10% extra FSI, where the stamp duty is 1,000 rupees, LUC tax is abolished, but wo implement nahi hua hai. So I just reinforced that, and it has been mentioned in the new housing policy which has been just released for suggestion. So moving towards safer homes, as I explained, society call for a meeting, 51% consent is required. 14 days notice has to be given, 75% people have to attend, 51% have to give consent, and then pass a resolution, pass an appoint a PMC, make a website so that no one comes to your house, no one calls the chairman secretary for information. Website se aapko sab information mil jana chahe, and keep the deputy register informed. Keep the deputy register informed what is happening and what is not happening, so that you cannot say that. So this is again just a repetition, pre-tendering and no. So this is the whole process. This is just where we happen to speak on redevelopment and giving information, which I do at other sessions also. This is one PMC I am of 53 housing societies. Just imagine, 53 housing societies, 3,488. In 8 months I completed 43 buildings, 10 to go, 97% consent. But the idea is, the core committee, I had invited them, I don't know whether they have come or not, core 11 people, hame kuch nahi chahiye, hamare members log ke liye kuch karo. And that is how it started. No vested interest, all interest to them. And these are 53 societies all in one cluster, and the same response I got from all societies, all the buildings. I personally called for each building meetings and did it. So kaam karne mein bhi maza aata hai, so when that is there, such transparency is there, information is there, knowledge is given out, sawal jawab sabke hum answer karte hai. So that is how it is going to go ahead. This is what is required. These are the 40 buildings which already completed, 53 to be done. These are the other projects which I am doing, which are SRA and all that, where I, as a PMC I am handling them. So networking, I am from Bandra since 1969. I stay at Bandstand and doing lot for Bandra itself with Ashish Silarji in terms of helping out the societies, getting funds from his MLA funds and doing society roads and all that. So it is my passion as a social network, because I am a trained volunteer in disaster management and firefighting also. During these are the CI World Construction Awards where Mr. Darekar was there. I am also as a convener of Ward 101 as convener of Mumbai Jilla District Federation. For any help, any suggestion and all that is there. This is the cell which we have made, who is promoting such programs. This is one SRA project, because my family history is also construction. Sorry for the mic. So small projects I also do on my own, but my focus is more as a PMC to do and spread the word of happy homes to everyone. So I think pre-mass, this already we saw. As a Builders Association of India, is there, where they are doing underwater sewage pipelines are being governed underwater.
So infrastructure also has to grow, and especially like Malwani, Kandivali area. In the cabinet, it has been approved to develop on the lines of BKC. So I think I've taken much of your time, and this is in brief I wanted to say. Bandra is there. I'm in Bandra. If there's anything, CRZ was there. CRZ is now no more, and we will just go ahead. And I think rest is all the same. अकबर भाई के लिए ही यही लाइन है. 3-2002 के पहले धीरू भाई अंबानी साहब थे, उन्होंने कहा था कर लो दुनिया मुट्ठी में. रिलायंस मोबाइल चालू किया था साहब, आपको याद होगा. तो आज आपको पूरी दुनिया दिखा दी इन्होंने लगभग. तोड़ जोड़दार तालियों से स्वागत करें.